नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस एंटी फंगल वीडियो में। एंटी फंगल मीन्स ये है कि आपको अगर बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होता रहता है, आपकी कंडीशन ठीक होने में नहीं आ रही है और आपको फंगल इन्फेक्शन होता रहता है, अब वो चाहे मोस्ट कॉमनली देखते हैं वो रिंग वॉर्म का है, जहाँ पर लाल लाइन चारों तरफ हो जाती है और वो फंगल इन्फेक्शन कहलाता है, जिसको हिंदी में दाद बोलते हैं। तो इसका मेन एक्शन वहाँ पर दाद वाली कंडीशन में होता है। इसके अलावा अगर आपको बार बार बक्कल कैविटी में इन्फेक्शन हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी कंडीशन अगर पीआईडी वाली है, वजाइनल इन्फेक्शन में भी ये मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है। चलिए जानते हैं मेडिसिन कौन सी है। तो दोस्तों, मेडिसिन का नाम है माइकॉक्स एंटी फंगल ड्रॉप। ये आपको मिलेगी डॉक्टर रेगबैक कंपनी की और आप इसको लाइए, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी, नहीं मिलती तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। जानते हैं इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके अंदर नोसोर्ट्स वाली मेडिसिन इस्तेमाल की गई है, इसलिए इसका एक्शन काफ़ी अच्छा है। इसमें हम देखते हैं तो सबसे पहले मेडिसिन है इसके अंदर एस्परगिलियस नाइगर। ये क्या चीज़ होती है, ये एक फंगल होता है। फंगल होता है जैसे कि आपने कई बार देखा, जो हमारे फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे काले से धब्बे पड़ जाते हैं, ब्लैक मोल्ड पड़ जाते हैं, ये उसी फंगस की वजह से होता है। तो उसी तरीके से जब हमारे बॉडी के अंदर धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, लाल होना शुरू हो जाता है, इचिंग आनी शुरू हो जाती है, रिंग वॉर्म बनने शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। सेकंड जो है दोस्तों, इसके अंदर कैंडिडा एल्बिकेनस, ये भी एक फंगस होता है जो कि हमारी जीआई ट्रैक के अंदर देखा जाता है। 40% हेल्दी एडल्ट के अंदर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वहाँ पे भी ये जीआई ट्रैक में भी फंगस पाया जाता है। बाकी इसके अंदर जो और मेडिसिन है, जैसे कि माइकोसिस, फंगोडोसिस, पेनिसिलिनियम और इचिनीशिया और जिंकम बटेलिकम, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो दोस्तों, ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो कि हमारे शरीर के अंदर जहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है उसको ठीक करने का काम करती है। रिंग वॉर्म वाली कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल इसका किया जाता है। जॉक ईच वाली कंडीशन में, जहाँ पे पेशेंट को बार बार खुजली होती रहती है, नीचे जन्नांग वाले एरिया में बार बार खुजली होती रहती है, थ्रश इन थ्रोट, उसके बार बार बक्कल कैविटी में, उसके मुंह के अंदर, उसके गले के अंदर बार बार फंगल इन्फेक्शन होता रहता है, वेजाइनल पीआईडी वाली कंडीशन मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो चलिए जानते हैं छोटी सी मेडिसिन है, इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली आप इसको लाइए, इसकी आपको शीशी मिलेगी, इसको आपने एक बार में इसकी 10 बूंदे लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, 2-3 चम्मच पानी में डाल के आप इसको पी लीजिए। खाना खाने से पहले भी आप इसको ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ आप इसको खाना खाने से पहले लीजिए। अगर आपके साथ में कोई भी मेडिसिन चल रही है, चाहे एलोपैथिक चल रही है, आयुर्वेदिक चल रही है, तो भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी अगर कोई होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही है तो हमेशा की तरह होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए। खास करके आप इसको दाद वाली कंडीशन में आइए कि आपको बहुत ज़्यादा समय से दाद हैं, ठीक होने में नहीं आ रहे हैं, तो बीच में आप ये मेडिसिन जरूर लाइए, इसके 2-3 शीशी पीजिए, आप देखेंगे आपकी जो कंडीशन है इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। जो बार बार आपको रिकरेंट इन्फेक्शन होता है कि कुछ दिन के लिए हमारा दाद ठीक हो जाता है, सूख जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद जो फिर से वो लाल लाइन आ जाती है, फिर से वो बढ़नी शुरू हो जाती है, छोटी से लाल लाइन बड़ी होकर फिर वो और बड़ी हो जाती है, उसका एरिया बढ़ता रहता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इसको लाइए। साथ में अगर आपको ये श्योरली अगर एलोपैथिक मेडिसिन भी चल रही है तो भी आप इसको लाइए, चाहे आपकी एंटी फंगल में, चाहे कोई सी भी मेडिसिन चल रही है, चाहे कैंडिड मेडिसिन चल रही है आपकी, या कैंडी फोर्स चल रही है, या फ्लुकनाजोल चल रही है, टर्मिना फोर्स चल रही है, जो भी चल रही है, आप उसके साथ भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेन चीज़ और आती है इसमें कि आप इसको एक्सटर्नली अप्लाई भी कर सकते हैं। आपके अगर दाद बना हुआ है तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। कॉटन पे आप 6-7 बूंदे ले लीजिए, आप इसको डेली अप्लाई कीजिए, दिन में 2-3 बार। तो 3 बार आप ये मेडिसिन पीजिए, 2-3 बार आप इसको इस्तेमाल कीजिए। खाने पीने का परहेज रखिए, गर्म चीज़ों का परहेज रखिए, खट्टी चीज़ें मत खाइए, कड़ी मत खाइए, स्पाइसी चीज़ें मत खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, अपने कपड़े, अपना साबुन, सारी चीज़ें आप अलग कीजिए, जिससे कि आपके परिवार में ये बीमारी ना हो। क्योंकि रिंग वॉर्म जब किसी एक पेशेंट को हो जाता है, दाद हो जाते हैं, तो उसके परिवार में और लोगों को भी हो जाते हैं। मेन प्रॉब्लम इसमें यही आती है कि ठीक हो जाते हैं लेकिन ये बार बार होते रहते हैं। तो बार बार वाली कंडीशन को ठीक करने के लिए ये मैंने आपको ड्रॉप बताई है, इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।